देखिए ध्यान से, अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आया, एक काम करते हैं, तो 9s2 यानी कि इसका ये हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते पहले, n की पावर 4 n स्क्वायर प्लस 2n³ 4n² 4n प्लस 1 अपॉन 4। ये आया इस तरीके से 4n² 4n प्लस 1, n की पावर 4 मल्टीप्लाई करने पे n² प्लस 2n³। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4n² से कर रहे हैं, देखिए n की पावर 4 से कर रहे हैं, तो ये होगा 4n की पावर 6 4n की पावर 6 प्लस 4n की पावर 4 फिर से करिए, 4 × 8 n की पावर 5 n की पावर 5 4 × 8 4n की पावर 4 अब प्लस इससे करते हैं 4n की पावर 5 n की पावर 5 प्लस इससे करते हैं 4n³ 4n³ हो गया। अब 4 × 8 n की पावर 4 4 × 8 n की पावर 4 अब 1 से करते हैं n की पावर 4 प्लस n² प्लस 2n³ इस तरीके से कर दिया, 4 × 8 n की पावर 4 अपॉन 4। ये आया, अब देखिए इसमें से, अब इसका n की पावर 4 n की पावर 6 ऐसे रहेगा, अब 4 n की पावर 4 और n की पावर 4 ये है, n की 8 n की पावर 4 ये है, तो टोटल कितने हुए 9 n की पावर 4 और 9 में से 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 13 n की पावर 4। देखिए ये और ये, तो 8 और एक 9, 9 में 4 जोड़ा 13 n की पावर 4। अब क्या बचा 5, 8 n की पावर 5 और 4 n की पावर 5 मिलके 12 n की पावर 5 हो गया, 12 n की पावर 5 हो गया। अब n³ 4n³ 2n³ मिलके कितना हुआ 6n³ हो गया। अब ये भी हो गया 6n³, अब बचा n² प्लस n² बचा, तो मेरे ख्याल से सारे हो गए अपॉन 4, ये 4 आ गया। तो इस तरीके से आपका आ गया, खुलने पे ये आ जाएगा सिंपल सा, इसमें से चाहो तो n² कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा 4n की पावर, इसको आप ऐसे रख देते हैं सीधे सीधे। अब क्या लेना, LHS ले लेते हैं, LHS कितना है 9s2 का स्क्वायर, 9s2 का स्क्वायर 9s2 क्या है, वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग क्या होता है n × n+1 2n+1/6 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो s2 जो है ये वर्गों का योग है, तो s2 की जगह क्या कर दिया n × n+1 2n+1/6 इस तरीके से आया। अब 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए सिंपल सा, इसको सिंप्लीफाई करने पे यही आएगा n² n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इस तरीके से आएगा, 9 × 4 = 36 9 × 4 = 36 हो जाएगा। अब देखिए n² आया n² प्लस 1 प्लस 2n 4n² प्लस 1 प्लस 4 × 2ab 4n हो जाएगा अपॉन 4। अब देखिए बिल्कुल वही पैसेज है, n² प्लस 1 प्लस 2n 4n² प्लस 1 प्लस 4n अपॉन 4 n की पावर n² तो घूम फिर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो कुल मिला के क्या कह रहा है, कुल मिला के ये कह रहा है कि दोनों का जो पक्ष आ रहा है तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, n की पावर 4 n² प्लस 2n³ फिर 4n²
प्लस वन प्लस फोर एन अपान फोर, ये आया। अब देखिए इस वाले पक्ष को जब दोनों साइड का पक्ष सेम हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा फोर एन की पावर सिक्स, फिर हो गया फोर एन की पावर फोर मल्टीप्लाई चार दुनिया आठ की एन की पावर फाइव। अब वन से करते हैं एन की पावर फोर एन स्क्वायर टू एन क्यूब प्लस, अब इससे करते हैं फोर एन की पावर फाइव फोर एन की पावर फाइव फोर एन क्यूब, फोर एन क्यूब हो गया और चार दुनिया आठ एट एन की पावर फोर, तो फोर है ना, फोर चार दुनिया आठ एट एन की पावर फोर अपॉन फोर। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करने पर क्या आ रहा है फोर एन की पावर सिक्स प्लस, अब देखिए थर्ट ट्वेल्व एन की पावर फाइव एट एट है और फाइव, ये मिलके एट और चार कितना हुआ बारह, बारह एन की पावर फाइव ये और ये हो गया और ये भी हो गया। अब बचा क्या फोर वाला, फोर फोर चार और एक पाँच, पाँच और पाँच चार ये है पावर फोर आठ, आठ एक नौ, नौ और चार तेरह प्लस तेरह एन की पावर फोर प्लस तेरह एन की पावर फोर। अब सिक्स एन क्यू लाना है टू एन क्यू और फोर एन क्यू मिलके हो गया सिक्स एन क्यू प्लस क्या बचा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा यानी कि एन स्क्वायर ये एन क्यू सिक्स एन क्यू पूरा कैंसिल बटे फोर। तो कहने का मतलब दोनों पक्ष की वैल्यू जो है दोनों पक्ष की वैल्यू सेम आ रही है, तो इससे ये प्रूफ होता है इसकी वैल्यू दोनों सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर है। तो बस करना कुछ नहीं है, बस आपको कंडीशन एस वन की वैल्यू जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दीजिए और एस टू जो है वर्गों का योग है तो वर्गों के योग का फॉर्मूला लगा दीजिए और एस थ्री जो है घनों का योग है और घनों के योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपको करना क्या है सीधे आर एच एस टर्म्स लीजिए, आर एच एस टर्म्स से अगर एल एच एस टर्म्स नहीं आ रहा है तो आप एल एच एस टर्म्स को लेकर दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों के टर्म्स की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो प्रूफ हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप ए पी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि इसमें इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।